अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है तुर्की का बादाम केक। ये लोग बहुत स्पेशल ये बनाते हैं, तो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। मैदा है 150 ग्राम, कॉर्न स्टार्च ये भी 150 ग्राम, बादाम क्रश किए हुए पिसे हुए बादाम ये भी 150 ग्राम, चॉकलेट है ये भी 150 ग्राम, इसको ग्रेट किया मैंने, ब्राउन शुगर है 200 ग्राम, चॉकलेट पाउडर यानी कोको पाउडर जो है ये 2 टीस्पून, 1 टीस्पून वनीला शुगर, वनीला शुगर इसको कहते हैं, अगर आपके पास ये नहीं तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून, 200 ग्राम बटर, 4 अंडे होल यानी सफेदी और यानी कंप्लीट अंडे। अब हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 अंडों को बीट करना है, साथ ही ये ब्राउन शुगर जो मैंने आपको कही है वो हमने डाल देनी है 200 ग्राम, और इसको स्पीड स्लो रख के ग्राइंड करना है, ये बीट करना सॉरी। वनीला शुगर, तीन से 4 मिनट आपने इसको बीट करना है। पहले आपने इसको स्लो रखना है, फिर आपने हल्का सा उसको तेज कर देना है। जिनके पास हैंड बीटर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो वो हाथ से भी कर सकते हैं। इसको हमने 3 से 4 मिनट सिर्फ जो है वो बीट करना है। अब ये 3-4 मिनट हो गए हैं। अब ये जो हमारे पास बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने एक एक करके सारे इसमें डालते जाना है, और साथ ही इसको हैंड बीटर से बीट करते जाना है। ये मैंने स्टार्च डाली है अभी। इसी तरह से हम तमाम अज़ा एक एक करके डालेंगे और इसको बीट करेंगे। ये दो जो है जितनी आप उसको बीट करेंगे उतना ही केक जो है फ्लफी बनेगा। डो हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए फाइनल इसकी ये लुक है। इसी तरह से आपने चाहे आप हाथ से करें चाहे आप इलेक्ट्रिक बीटर से करें, लेकिन ये लुक होनी चाहिए। ये है फार्म, केक फार्म। तो इसके नीचे मैंने बटर लगा दिया हाथ से, आप चाहें तो ब्रश के मदद से लगा सकते हैं। ये देखें, ये सारा हमने बटर जो लगाया था सारे किनारों पे अच्छी तरह से नीचे सारा, तो उसके अंदर हमने बादाम डाल के ये उसको ऐसे घुमा दिया, तो ये देखें ये फार्म हो गई है। आप इस तरह कर सकते हैं या आपकी मर्जी है, या वैसे बादाम लगा सकते हैं। हाँ जी, इस तरह से आपने बेक फार्म पे ये केक का मेजा जो है ये आपने उंडेल देना है।
व्यूज़, ये हमने हमेशा इसके अंदर उंडेल दिया है। तो ये मैंने आपको जो बताया था कोको पाउडर 2 टीस्पून, इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना है और इसका पेस्ट बनाना है। व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपने जो मैंने आपको बताया ना 2 टेबलस्पून मिल्क आपने ऐड करके, तो इस तरह से ये पेस्ट बनाना है, ऐसे इतना लिक्विड होना चाहिए। अब हम इसको इसके अंदर पोर करेंगे। ऐसे ऐसे पूरे केक की फार्म में ऐसे आपने चम्मच को घुमाते जाना है ताकि वो मिक्स हो जाए। ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, ये वाली लुक उसकी नजर आनी चाहिए केक की। सारा आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है चॉकलेट पाउडर को। अब हम ओवन की तरफ चलते हैं। ओवन को हमने 180 डिग्री पे उसको प्री हीट करना है। व्यूअर्स, मैंने ओवन को 180 डिग्री पे 7 मिनट के लिए प्री हीट किया है। अब मैं केक को अंदर रखूंगी और 50 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। व्यूअर्स, टाइम पूरा हो चुका है, अब हम इसको निकाल के चेक करते हैं। ये हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखें बिल्कुल साफ है पिक। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे इसकी डेकोरेशन करके। इसको हमने आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखा था ताकि अच्छी तरह से ये बाहर आ जाए। आप भी यहाँ पे मौसम हालांकि ठंडा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये था टर्किश आलमंड केक, तुर्की का बादाम केक। आप भी अपने घर जरूर ट्राई करें आसान रेसिपी। व्यूअर्स, आप भी ये रेसिपी जरूर फॉलो करें, जरूर ट्राई करें और फिर बना के फिर हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मैं घर में ये बनाती रहती हूँ, बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी बनता है, आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत यम्मी केक है, चाय के साथ, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए और सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। बादामों का ख़जाना कह लें, फुल ऑफ आलमंड है, बादामों से भरा हुआ। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
शुगर पाउडर।